हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी स्टॉक मैं इस चैनल में बताता हूँ दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज आपका मार्केट खुला है फिर से, सो वीकेंड के बाद। सो आज से आपको फिर से कंपनी के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। आज भी आपको बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको दो कंपनी के रिजल्ट्स कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूंगा। देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, वो है सीजी पावर। सो सीजी पावर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये आपको मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करने वाली एक बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। मुरुगप्पा ग्रुप इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट। तो अगर आप देखेंगे, आपको बहुत ही बड़ा ग्रुप देखने को मिल जाता है और बहुत ही वेल नोन ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर रिसेंटली अगर आप देखेंगे, इस कंपनी ने आपकी जो सेमीकंडक्टर से उसके भी फैक्ट्री के साथ टाइप करने का, मतलब फैक्ट्री खोलना और एक फॉरेन प्लेयर के साथ टाइप करना, इन्होंने ऑलरेडी न्यूज़ पर आपको देखने को मिल रहा था। सो इसीलिए इस कंपनी का भी रिजल्ट्स और नंबर्स देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हमको अभी इन कंपनी को क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। सो अगर आप देखेंगे, आपको नंबर्स आज मार्केट क्लोज, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले हैं। सो आप देख सकते हैं 6 मई अराउंड 1:45 जैसे आपको मार्केट एक्सचेंज पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, सभी आपको रुपीस इन करोड़ में देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात है, कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। और देखते हैं कि सीक्वेंस कैसा है। सो अगर आप देखेंगे, नंबर्स का सीक्वेंस आपको सेम जो हमेशा होता है वही कॉमन सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। और कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे, सो जो कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,239 करोड़ का इनकम अर्न किया था। पिछले क्वार्टर में 2,006 करोड़ का इनकम अर्न किया था और एक साल पहले आपको 1,917 करोड़ का इनकम अर्न किया था। सो अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, अच्छी बात है। सो देखते हैं कि कंपनी के खर्चे कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी अभी खर्चे पर ही मार खाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो देखते हैं कि कंपनी के खर्चे कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो कि 1,932 करोड़ से, पिछले क्वार्टर में 1,742 था और एक साल पहले आपको 1,654 देखने को मिल जाता था। मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो उसके बाद आपको ऑपरेशन और प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि 307 करोड़ से, पिछले क्वार्टर में 264 करोड़ था और एक साल पहले आपको 262 करोड़ देखने को मिल जाता था। सो अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट देखेंगे, ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको टैक्स के एडजस्टमेंट्स आएंगे। टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो कि 233 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 196 था और एक साल पहले आपको 260 करोड़ देखने को मिल जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे, एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर तो बीट करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको फिर से और एक एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहा है जो कि प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बिफोर टैक्स जो कि 551 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और एक साल पहले आपको 165 करोड़ का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता था। सो उसके बाद आपको फाइनल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 233 करोड़, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पिछले क्वार्टर में 747 था और एक साल पहले आपको 426 करोड़ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सो अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको इस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता था, लेकिन टैक्स के एडजस्टमेंट्स की वजह से आपको प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी। सो अगर उस प्रॉफिट को अगर कंसिडर करेंगे, शायद आपको ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता था, हल्का सा ग्रोथ, लेकिन जब डिसकंटिन्यूड का ऑपरेशन आ गए, वो आपको इस क्वार्टर में
प्रॉफिट बहुत ही नीचे आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि वो एक वन टाइम एडजस्टमेंट्स है, वो सब हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन उसको कंसिडर करेंगे तो आपको प्रॉफिट नीचे देखने को मिल जाता है। अभी देखना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स क्या डिसाइड करते हैं, उनका क्या डायरेक्शंस होता है, उसके हिसाब से आपको शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, सो अगर आप देखेंगे पावर सिस्टम से इनको 820 करोड़ इस क्वार्टर में, और एक साल पहले आपको 592 देखने को मिल जाता था, सो ग्रोथ देखने को है। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में देखेंगे 1364, और एक साल पहले आपको 1305 आपको जहाँ यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अदर्स में ठीक ठाक आपको बिजनेस होता हुआ देखने को मिल जाता है। सो सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे सभी सेगमेंट में आपको कंपनी के इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन खर्चे की वजह से आपको प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिला। सो जो कि आपको अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पूरा कंपनी का आपको अभी इसी तरह से ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपनी के हालत आपको ऐसे ही देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अगर हम स्टॉक प्राइस देखेंगे, आज तो आपको आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 बजे जैसे आपके नंबर्स आते हुए देखने को मिले, सो जैसे नंबर्स आए आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको 2% की गिरावट देखने को मिली, बाद में आपको हल्के से रिकवरी भी आती हुई देखने को मिली है। सो कल देखना पड़ेगा इसका आपको एग्जैक्ट रिएक्शन, आपको जब कल मार्केट खुलेगा तभी आपको इसका एग्जैक्ट रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक ज़माने में आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिल जाता था ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर, वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा कम बैक किया, देख सकते 8000% का रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिया है। सो बहुत ही अच्छा खासा भागा हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं कल जब मार्केट खुलेगा तब आपको इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों वो है नॉर्टन सेंट को भी इनका एक आपको सब्सिडियरी देखने को मिल जाता है, वो है ग्रिंडवेल नॉर्टन करके, इनका इंडिया में इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। नॉर्टन सेंट को भी अगर आप देखेंगे आपको फ्रांस की कंपनी देखने को मिल जाती है। सो इनका आपको इंडिया में भी सब्सिडियरी है जो कि ग्रिंडवेल नॉर्टन करके इसको बोला जाता है। सो ज़्यादातर आपको ग्राइंडिंग के सिस्टम पर आपको काम करती देखने को मिल जाती है। सो प्लस अगर आप सेंट को भी इनका नाम सुना होगा सो उसी का आपको एक सब्सिडियरी देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स पे आपको आज ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट 3 बजे जैसे आपको एक्सचेंज पर अपलोड होते हुए देखने को मिले हैं। सो देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे कंपनी ने कुछ डिविडेंड अनाउंस किया तो इस क्वार्टर में कंपनी ने आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 17 रुपये का आपको डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करते हुए देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹17 पर इक्विटी शेयर, जो कि 340% आपको देखने को मिल जाता है। ये अभी भी आपको AGM में देखना पड़ेगा कि इसका अप्रूवल आता है कि नहीं आता है। ज़्यादातर 99% आपको अप्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेलिटीज है उसको फॉलो करना पड़ता है। सो अगर देखेंगे इफ़ द डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाई बोर्ड इज अप्रूव्ड at AGM, payment of such dividend will be made on or before Monday, July 22nd, 2024. इसके पहले आपको shareholders को इसका dividend आता हुआ देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, हम लोगों के लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंट आपको एक साइड डिश है, सो हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। सो अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ईयर ऑन ईयर का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, और ये आपको क्वार्टर क्वार्टर का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों वो आपको रुपीस इन लैक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे कंपनी का इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि टोटल इनकम ये है जो कि 70,837 है रुपीस इन लैक्स, पिछले क्वार्टर में 67,377 था, और एक साल पहले आपको 67,596 देखने को मिल जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में अभी आपको इनकम अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ इनकम देखने से काम नहीं चलता दोस्तों, हमको एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेगी कि कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 58,761 है, पिछले क्वार्टर में 55,166 था, और एक साल पहले 55,264 देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको ऑपरेशन और प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि 12,076 है, पिछले क्वार्टर में 12,221 था, और एक साल पहले आपको 13,332 देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इनकम अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर कम है, लेकिन खर्चे भी कम कंपनी ने किया, तो इसलिए आपको पिछले साल का प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल जाता है कंपेयर टू दिस ईयर। सो ऑपरेशनल प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल जाता है, इस क्वार्टर क्वार्टर में भी गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह, सो सब कुछ होने के बाद फाइनल प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि
2268 है, पिछले क्वार्टर में 9209 देखने को मिल जाता था और एक साल पहले आपको 9849 देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप क्रोर्स के टर्म में देखेंगे ये आपको 92 क्रोर्स है, ये भी आपको 92 क्रोर्स देखने को मिल जाता है और ये आपको 98 क्रोर्स का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो 98 से सीधा 92 आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ईपीएस देखने को मिलेगा। सो अगर आप ईपीएस देखेंगे इस क्वार्टर में 8.36 है, पिछले में आपको 8.32 था और एक साल पहले आपको 8.96 देखने को मिल जाता था। सो ईपीएस में भी आपको ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ देखेंगे, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एब्रेसिव्स, सेरामिक्स एंड प्लास्टिक्स, डिजिटल सर्विसेज, इस कंपनी का मेन आपको पिलर्स देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे फर्स्ट वन एब्रेसिव्स में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है, सेरामिक्स एंड प्लास्टिक्स में प्रॉफिट आपको रेवेन्यू नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है एंड प्लस डिजिटल सर्विसेज में भी कंपनी का प्रॉफिट नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है। और प्लस अदर्स में भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कंपनी को इन तीनों सेगमेंट में और ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तब जाके आपको शायद प्रॉफिट्स में भी और भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे आज के दिन, अगर आप देखेंगे 2196 पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे नंबर्स आए मार्केट ने एक बार इसको ऊँचा कर लेके आए, ऑलमोस्ट 4-4.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी, बाद में आपको स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिला। सो कल देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आपको उन लोगों को रिजल्ट्स का पीडीएफ वगैरह स्टडी करने के बाद आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।